नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज से। प्रयागराज एसटीएफ ने 1 लाख की नकली करेंसी के साथ कीड़गंज में अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर रुपेश कुमार प्रयागराज में फूलपुर के मलकापुर का रहने वाला है। वह पश्चिम बंगाल के मालदा से नकली करेंसी लेकर आया था। एसटीएफ ने कीड़गंज एरिया में छापेमारी करके आरोपी रुपेश कुमार को 1 लाख रुपए नकली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार रुपेश पश्चिम बंगाल से 60 रुपए के हिसाब से 500 रुपए के 1 लाख नकली नोट लिए। नकली नोट असली नोट के जैसे ही हैं। नोटों की पहचान करना बहुत मुश्किल। नकली नोट को प्रयागराज में खपाने की तैयारी थी। रुपेश नकली नोट लेकर सोमवार को जैसे ही कीटगंज की तरफ पहुंचा, सूचना पर एसटीएफ ने छापेमारी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम रुपेश है। मैं रामू साहू जो कौड़ियार अटरामपुर का रहने वाला है, उसके कहने पर बंगाल जाली नोट लाने गया। मुझे दीपक मंडल ने 1 लाख जाली मुद्रा कलिया चक मालदा में दिया है। नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई हो रही है? प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस संबंध में एक व्यक्ति रुपेश को लोकल एसटीएफ ने गिरफ्तार करके लिया हुआ है। उसके पास 1 लाख की फेक करेंसी बताई जा रही है। इस मामले में आगे हम लोग जानकारी करते हुए और उसके बाद से कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें राम स्वरूप गुप्ता नाम के एक व्यक्ति का भी नाम आ रहा है जो जिसको इसे ये नोट देने थे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? पूरी चेन को हम लोग देखेंगे क्योंकि प्राथमिक तौर पर है। अभी आपने तुरंत मुझसे पूछ लिया है, मैं जा रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँगा। जानकारी इकट्ठा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज ब्यूरो प्रमुख अखिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट।